बहुत सारे डाइटिशियंस पनीर की जगह टोफू रिकमेंड करती है, बट जनरली हमारा टेस्ट नहीं बन पाता। तो आज हम घर पर ही हेल्दी टोफू बनाएंगे, वो भी सिर्फ बेसन के साथ। तो सबसे पहले ग्राइंडर जार में आपने एक कप बेसन ऐड करना है। इसी में ऐड करेंगे 2.5 कप पानी। अब इसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है। सो कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी, बहुत ही पतली, तो ऐसी ही हमें चाहिए। सो अब एक नॉनस्टिक पैन लेना है और उसमें 1 टेबलस्पून ऑफ देसी घी ऐड कर, साथ ही ऐड करें जो हमने अभी बैटर रेडी करा था। अब इसमें ऐड करें 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, और इसको साथ साथ ऐसे मिक्स देना स्टार्ट करें, कुक करना स्टार्ट करें। सो मेक श्योर कोई लम्ब्स नहीं होने चाहिए। सो जैसे ही आप कुक करते जाएंगे, ये जो मिक्सचर है ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपने कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है और करछी मारते रहना है। सो गाइस, आपने बिल्कुल धीमी आंच में इसको पकाना है, और ये देखो थिक होना स्टार्ट हो गया। तो बस हमने 1-2 मिनट और कुक करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। और अगर कोई लम्ब्स लग रहे हैं तो उसको आप स्पैचुला के साथ ऐसे मैश कर सकते। सो गाइज, ये जो टोफू है ना, इसको आप ग्रेवीज में, सब्जी में, स्नैक्स में, किसी में भी यूज़ कर सकते हो। बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो मैं जल्दी ही रेसिपी लेकर आऊँगी, तो कैसे आप इस टोफू की सब्ज़ी बना सकते हो जो इतनी ज़्यादा माउथ मेल्टिंग रहे। सो हल्के से अगर लम्ब्स है भी तो आपने विस्क के साथ उसको घुमाकर ब्रेक कर देने हैं। तो ये देखो कितना थिक हो गया है मिक्सचर। तो अब हम गैस को करेंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। सो मैंने ली है जो बर्फ़ी सेट करने वाली ट्रे होती है, और इसको मैं ग्रीस कर दूंगी ऑयल घी किसी के भी साथ। सो इसको गर्म में ही आपने ट्रे में स्प्रेड कर देना है। अगर आप इसको ठंडा कर देंगे तो ये स्प्रेड होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो बहुत ईजिली ये स्प्रेड होगा, बहुत ईजिली इसकी क्यूब्स निकल कर आएंगे। तो मैं पूरा ट्रे में नहीं कर रही, बिकॉज जो क्यूब्स है ना वो फिर बहुत ज़्यादा पतली बन जाएंगी। सो जितना भी आप इवन स्प्रेड कर सकते हो आप करिएगा। सो अगर नहीं हो रहा तो स्पैचुला पे थोड़ा सा घी लगा कर ना, या ऑयल लगा कर आप कर सकते हैं। तो मैं बस इतना कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं उसको ट्रे में स्प्रेड करा, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा फिर पतली क्यूब्स निकल आएंगी। सो अब इसको आपने 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडा होने देना है। सो इसको बोला जाता है बर्मिसी टोफू, और जो बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में यूज़ होता है। सो 20 से 25 मिनट के बाद ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा। सो अब इसको किसी भी ट्रे में ट्रांसफ़र कर लें। सो बहुत ईजिली ये डीमोल्ड हो जाता, और इसको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप कट कर लें। सो कितना सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेक्सचर बन के आया है। सो अब इसको आप क्यूब्स में कट कर सकते हैं, और ये जो बेसन का टोफू है गाइज, आप सैलड्स में, ग्रेवीज़ में, सब्जी में, जिसमें मर्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर इसका अच्छा आता है। सो पूरा पनीर की तरह ये सॉफ्ट बना है।